25 लाख की सालाना नौकरी छोड़कर एक शख्स बेंगलोर से बुंडू पहुंचे हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। अभी मैं पहुंचा हूं भारतीय विद्यातन पब्लिक स्कूल बुंडू, और यहीं से उन शख्स से हम बात करेंगे जिन्होंने अपनी माँ की सपना को पूरा करने के लिए 25 लाख की नौकरी छोड़कर बुंडू पहुँचे हैं। हम कुछ कहने से पहले उन शख्स से मुलाकात करते हैं और बातचीत करेंगे कि आखिरकार 25 लाख की नौकरी उन्होंने क्यों छोड़ी, क्या वजह है। इसलिए हम जानने के लिए पहुँचे हैं कि सालाना नौकरी 25 लाख शायद कम नहीं है, और आज उस नौकरी को छोड़कर बुंडू पहुँचे हैं। आप साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि हम स्कूल के परिसर में हैं, और यहीं से हम आज एक इंटरव्यू शूट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ देर के बाद में अभिनय जी होंगे जिनसे हमको इंटरव्यू लेना है। नमस्कार, मैं सदाब सैयद अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। आज हम बीवी पब्लिक स्कूल आए हुए हैं, और हमारे साथ इस बीवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अभिनय जायसवाल जी हमारे साथ हैं। आज हम अभिनव जायसवाल जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपना जो नौकरी जो छोड़ के आए हैं और ये स्कूल चलाने का जो संकल्प लिए हैं, ये संकल्प क्यों लिए हैं। आप बेंगलोर में जॉब करते थे और उसके बाद फिर आपका फिर आना हो रहा है, तो ऐसा आपका मन में क्यों ऐसा आया कि आप वहाँ से फिर यहाँ आना पड़ रहा है। देखिए, शुरू में मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई थी, है ना। 10वीं के क्लास मैंने यहाँ से, 10th मैंने संजय स्कूल से ही पास आउट किया। उसके बाद फिर संजीवनी कॉलेज से मेरी 12वीं की पढ़ाई हुई, फिर वहीं से मैंने स्नातक भी किया। और मैं मास्टर्स के लिए भी जा सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, एक इंटरनेशनल कॉलेज था, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने उसको ऑप्ट किया और मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट था। उसके बाद वहाँ से पास आउट होने के बाद अभी आज तक में मेरे ऑलमोस्ट 14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और यहाँ से भले मैं वहाँ अपना एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा से मैं यहाँ से जुड़ा रहा हूँ। जब भी मुझे मौका मिला है मैं यहाँ आया हूँ, अपने पुराने मित्रों से मिला हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता रहा है जब भी मैं उनके घर गया, उनके बच्चों से मिला, शिक्षा की जो स्तर होना चाहिए वो शिक्षा का स्तर मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। भले शिक्षक अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने पूरा एफर्ट दे रहे हैं उनको पढ़ाने में, लेकिन जो तरीका होना चाहिए पढ़ाई कराने का, जो तरीका वो लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। आज के दिन में अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी का टाइम है, विजुअलाइजेशन का समय है, लोग पढ़ाते हैं क्लास लो, ये इवन दो अभी हमें टाइम भी मिला कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस होने का, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी केवल वर्बली वो बुक से पढ़ा रहे हैं, वो विजुअलाइज नहीं करा रहे चीज़ों को, समझा नहीं रहे। उस तरह की वीडियोस या फिर आईटी टूल्स या इक्विपमेंट का यूज़ करके वो स्टूडेंट को स्टूडेंट पे वो एफर्ट नहीं डाल रहे जो उनको डालना चाहिए। तो इसी सब को देखते हुए मुझे लगा कि इन सब का यूज़ करके क्यों ना मैं अपने स्कूल को, जो कि 1992 में स्थापित किया गया, और कहीं ना कहीं हमारे बुंडू क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उन तरीकों की वजह से वो आगे नहीं निकल पा रहे। रांची में बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ इस तरह का आईटी टूल्स, आईटी इक्विपमेंट का यूज़ किया जा रहा है और शिक्षा के स्तर को काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। इन्हीं सारे चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ, और
अपना जो भी एक्सपीरियंस है उस सारे एक्सपीरियंस को यहाँ यूज़ करूँ। परिवार में अभी कितने सदस्य हैं? परिवार में अभी मैं यहाँ पे, अगर मैं अपने परिवार की बात बताऊँ तो पापा हैं, मतलब यहाँ के डायरेक्टर जो है, संचालक, और पत्नी चूँकि वहाँ पे एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम करती थी यस बैंक में, किसी कारणवश उसे जॉब, उसको भी क्विट करना पड़ा। तो अभी देखा जाए घर में हम तीन लोग हैं और एक छोटा बच्चा भी है मेरा। बेंगलोर में काम, बेंगलोर में आप जहाँ से काम करते थे, अगर मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस आप देखोगे तो मैंने HCL से करियर अपना स्टार्ट किया। करीब 2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा HCL के साथ, क्योंकि हर कंपनी, पहली कंपनी एजुकेशन के बाद जो पहली कंपनी होती है उसमें बहुत सारा चीज़ें जुड़ा रहता है। फर्स्ट कंपनी, मदर कंपनी आप बोल सकते हो। 2.5 साल मैंने वहाँ काम किया, फिर मैंने नोएडा की कंपनी MNC में ज्वाइन किया, आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड। सबसे लंबा कार्यकाल मेरा वहाँ रहा, करीब 6.5 साल का। उसके बाद अभी लास्ट 2 ईयर से मैं बेंगलोर में हूँ। ANZ बैंक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक, अभी मैंने 2 साल पहले ही ज्वाइन किया है। और अभी मुझे जो इन हैंड पैकेज है वो मुझे 25 लाख पर एनम का है, इसके साथ बोनस भी मिलता है ईयर एंड पे बेस्ड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। तो सालाना में 25 लाख रुपया मिलती थी। हाँ, उसके अलावा बोनस मिलता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो अब वहाँ पर जो 25 लाख रुपये सालाना में मिल पाते थे, बात केवल पैसों की नहीं, संतुष्टि भी होता है। अगर आप जिस तरह का सिटी में रह रहे हैं उस तरह के आपके खर्चे भी हैं, है ना। और आप वहाँ क्या, अभी तक आप इंडिविजुअल की तरह काम कर रहे थे, है ना, एक ग्रुप की तरह काम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक इंजीनियर हो। अब जो भी मेरी अचीवमेंट थी मेरी खुद की थी, उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं उस तरह की चीज़ों को अचीव करें। जो मैंने मूल उद्देश्य है शिक्षा का स्तर को बढ़ाना और कभी आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्कूल बनाना। कभी आपका ऐसा सपना था या किसी का सपना को पूरा कर रहे हैं? एक्चुअली अगर बोला जाए तो जिस पद पे मैं आज हूँ, मेरी इच्छा तो थी कि 2-3 साल पहले मैं यहाँ ज्वाइन करूँ और जो प्राचार्या थी, पूर्व प्राचार्या, उनके गाइडेंस में ज्वाइन करूँ, ये मेरी इच्छा थी। दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाया, है ना, लेकिन उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद समझ के मैं इस पद को स्वीकृत करता हूँ। मम्मी का निधन होने के बाद। हाँ, मम्मी के निधन होने के बाद तो उनका आशीर्वाद है, आशा करता हूँ उनका आशीर्वाद बना रहेगा और जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ वो उद्देश्य पूरा करूँगा। क्या रणनीति है आपका यहाँ? अभी तो जो स्कूल हमारा कंस्ट्रक्टेड है उसमें अच्छी शिक्षा नीति को डालना है, एक्सपर्ट और जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाले टीचर को रखना है कि जिससे अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे पाएँ। कहाँ तक, मतलब कितने इस क्लास तक आप ये ले जाना चाहते हैं स्कूल को? देखिए अभी हायर एजुकेशन के लिए जैसे 11-12 भी, देखिए अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार अभी जो हम आगे प्लान भी कर रहे हैं हम लोग कि पहले तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पूरा करेंगे, है ना, उसके बाद जो नई शिक्षा नीति के अनुसार हम +2 तक इसका एफिलिएशन करवाना चाहेंगे। अच्छा, क्योंकि +2 मेन स्टूडेंट का करियर +2 के बाद ही स्टार्ट होता है। अगर आप देखोगे, अगर बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, है ना, एक अच्छा एजुकेशन पाने का, वो बेसिक रिक्वायरमेंट आपका +2 है। अगर वहाँ पर स्टूडेंट का बेस अच्छा है, अच्छा कर रहा है स्टूडेंट, तो वहीं से उसके करियर की शुरुआत हो जाती है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे आपके सवाल से हम एक प्रश्न यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि जैसे जो कमी आप जो देख पा रहे हैं, जो शिक्षा के बारे में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम उस पर कमी देख रहे हैं, आप आने के बाद में वो कमी दूर हो पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक्सपर्ट टीचर हैं, पर उनका मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में रहा हूँ ऑलमोस्ट 15 ईयर से, है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस जो आईटी इंडस्ट्री का जो बेस है, जो आईटी इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम स्कूल में इम्प्लीमेंट करें, है ना, बच्चों को, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को हम किताब से पढ़ाते हैं,
बोर्ड में लिख के पढ़ाते हैं, तो हर बच्चों का एक तरह का आईक्यू लेवल होता नहीं। और बच्चों में सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चों का आप आईक्यू लेवल निकालिएगा तो उसमें डिफरेंसेस भी ज़्यादा नहीं होते, बस अंतर क्या होता है कि किस माहौल में रह रहा है बच्चा। हमारे गाँव का बच्चा क्या होता है, यहाँ आता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं रीजनल एरिया से आते हैं जिनको हिंदी भी ढंग से बोलना नहीं आता, ठीक है, लेकिन विजुअलाइज करना सबको आता है। अगर मैं एक वीडियो दिखाऊंगा बोलूंगा ये है तो वो सारे बच्चे समझेंगे, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे किसी भी एरिया का हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो उस वे में पढ़ाना है कि जिससे सारे बच्चे एक स्टैंडर्ड तक सारे बच्चे आ जाएँ, एक लेवल, एक सबका आईक्यू लेवल सबका बराबर कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक स्तर तक सब आएंगे तो फिर टीचर को भी पढ़ाने में ईजी होगा और बच्चे भी अच्छे करेंगे। अच्छा, आपका ये शिक्षा के साथ साथ में एक संस्कार की ज्ञान भी मिलती है, देखिए बच्चे कैसे ढूंढ पाते हैं, कैसे किस तरीके से ज्ञान उस पर मिलना चाहिए बच्चों को? आप नैतिकता की बात कर जी, देखिए वो तो मुझे लगता है कि जहाँ भी जिस स्कूल में भी बच्चा पढ़ेगा है ना, वो नॉर्मल एटिकेट्स होता है वो तो बच्चों में मिलने चाहिए। बच्चा जिस दिन अपनी नैतिकता भूल गया, अपना पारिवारिक मूल्य भूल गया है ना, वो आगे की पढ़ाई क्या कर पाएगा है ना। कहीं ना कहीं आप किताबी चीज़ों को भले आप कर जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी इस मूल्यों को छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आप जाके गिरोगे है ना। तो वो एक तो कॉमन एटिक्यूट है, मुझे लगता है सारे स्कूल उस तरह का एजुकेशन देते हैं और वो चीज़ तो बेस है, वो तो मिलना ही मिलना चाहिए। जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है ना, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है ना, और जब कोई टीचर क्लास में जाता है तो खड़ा हो जाता है, वो सब क्या रेस्पेक्ट ही है ना। तो वो नैतिक मूल्यों का तो आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते है ना। बाकी एजुकेशन उसके ऊपर एजुकेशन आता है ना, और वो एजुकेशन का स्तर ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चे को ईज़ली उस चीज़ को ग्रैस्प कर सके, ईज़ली उस चीज़ों को समझ सके, उस तरह का स्तर होना चाहिए शिक्षा का। क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और एक जगह एक जैसे क्षेत्रों से नहीं आता है ना। बहुत ऐसे बच्चे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो कि किसान के बच्चे हैं, घर जाते हैं, यहाँ पे जो पढ़ाई किया वो उनको 1% भी नहीं मिल पाता है, वहाँ उनसे कोई ठीक से बात करने वाला नहीं होता हिंदी में। पढ़ाई के साथ साथ में जैसे बच्चे अगर कुछ होमवर्क के लिए दिया गया या फिर कुछ अभी हम पढ़ा रहे हैं और कहीं पर कहीं ना बच्चे थोड़ा कुछ करने में अगर गड़बड़ी उनका हो जाती है, अगर वो सीख नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि कोई डांट फटकार भी बच्चों के साथ में हो जाता है, तो ऐसे में क्या उस तरीके से करने से बच्चों को सीख मिलेगी या फिर आपके पास में कुछ ऐसा भी है जो आप बच्चों को सिखा पाएंगे बिना डांटे हुए? देखिए वो फिर अलग अलग लेवल के बच्चों पर डिपेंड करता है। छोटे सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं आप उनको अगर डांटना स्टार्ट कर दो है ना, तो वो आपसे डरना स्टार्ट कर देंगे है ना। उस समय भले वो आपके डर में ए लिखना तो हो सकता है ए भी लिख देंगे है ना। तो डर में पैनिक सिचुएशन में तो एजुकेशन मिल ही नहीं पाएगा, लेकिन हाँ स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मारना है या डराना है धमकाना है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो फिर वो ना वो क्लासरूम नहीं रह जाएगा फिर। तो इस क्षेत्र में आने के साथ ही आपका जो सोच है उसको आप साकार जो आप करने के लिए जो खूबी सोचे हैं स्कूल को और भी हम अच्छा तरीके से इसको हम लेके जाएं, तो आप क्या ऐसा मूल जो आपके पास में जो विचारें हैं जो आप आने के बाद में उसको देखे हैं कि हमको इस तरीके से इस चीज़ों को दूर करना है, तो क्या कमी दिखाई दी है? देखिए मेरा जो अपना प्लान तो बहुत सारे हैं ना, धीरे धीरे उस पर वर्कआउट भी करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे प्लान हैं जो कि सडन इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ ऐसे प्लान हैं जो समय के साथ करेंगे, बच्चों के साथ जैसे जैसे मेलजोल बढ़ेगा, पेरेंट्स के साथ मेलजोल बढ़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स के बिना भी नहीं हो सकती, बच्चों के बिना भी नहीं हो पाएगी है ना। लेकिन सडन में अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे तो थोड़ा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाना चाहूँगा है ना, थोड़ा सा सारे क्लासेस स्मार्ट क्लासेस की तरह चले, जो कि मुझे लगता है ऑलरेडी चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ एजुकेशन में आपका जैसे टीचर के लिए कुछ होते हैं, टीचर कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो
कैसे डिलीवर करना है चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो कैसे टीचरों के साथ वर्कशॉप करेंगे, है ना, कुछ अगर मैं उनको कुछ बता सकता हूँ या फिर कभी कभी मुझे भी सीखने को मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों से मतलब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनाना पड़ेगा, जिससे जहाँ भी कोई भी कमी है उस कमी को दूर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन प्लान में सडन में एग्जीक्यूट करने का नहीं सोच रहा, समय के साथ सिचुएशन को देख के, क्योंकि अभी तो मैंने तो अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो मेरी मुलाकात सारे बच्चों से भी नहीं हुई है और मुझे मौका भी नहीं मिला टीचर्स सारे टीचर से मुलाकात करने का। तो करेंगे, बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। पिछले साल जैसे जिस तरीके से जो बच्चे मैट्रिक लिखे थे, तो क्या देखे हैं कि किस तरीके से जो पास जो परसेंटेज होती है? हाँ देखा है मैंने, मैंने सब्जेक्ट लेवल में नहीं उनका चेक किया, लेकिन हाँ मतलब ओवरऑल मुझे पता है ठीक ठाक रिजल्ट रहा है, लेकिन उसको और अच्छा करना है। क्या चाहते हैं उससे अच्छा हो पाएगा इस बार? देखिए रिजल्ट मेरा ये मानना है ना, रिजल्ट सब कुछ नहीं होता है, पहला चीज ठीक है। अगर एक बच्चा है जो कि 60% भी ला रहा है ठीक है, बाकी सारा पैरामीटर को अगर वो सेटिस्फाई करता है, तो वही बच्चा देखोगे आप आगे जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, आप रांची में चले जाओ या फिर किसी दूसरे स्टेट में भी चले जाओ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा परसेंटेज ला रहे हैं, लेकिन जब वो एक्चुअल जो उनका कंपटीशन होता है, जब वहाँ अपेयर होते हैं, तो वहाँ वो सक्सेस नहीं मिलता है उनको ठीक है। लेकिन लेकिन हाँ, रिजल्ट एक पहला पैरामीटर है कि रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए और साथ में नॉलेज भी होना चाहिए। बहुत ऐसे तरीके हैं जो रिजल्ट अच्छा कर देते हैं, कि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि हमारा अगर सिलेबस पे ही हम सिलेबस को अच्छे से कवर करें तो हम अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर दो तीन और बुक का रेफरेंस लेके ऑनलाइन से मटेरियल निकाल के, है ना, बहुत ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों का अगर हम यूज़ करें तो नॉलेज के साथ हमें एक्सपर्टाइज भी मिलेगा, जो कि आगे डेफिनेटली आगे जाके हेल्प करेगा। मतलब आपका इसमें सारा चीज़ों का एक ही निष्कर्ष है कि पैसा बड़ा चीज़ नहीं है, जिस मकसद का आप सोच रहे हैं कि पैसा, जिस तरीके से आप अगर बेंगलोर में थे तो आप वहाँ पर 25 लाख रुपया जो सालाना में कमा रहे। देखिए अगर वैसे बात कीजिएगा पैसे का, तो ऐसा नहीं है कि 25 लाख का जॉब था और वहीं पर लाइफ ख़त्म हो जा रही थी, है ना, मेरे पास और भी ऑफर थे, लेकिन जब हर एक लेवल में एक अलग डिसीजन होता है, है ना, उस समय मेरे पास और भी ऑफर थे, इससे बड़ा ऑफर था मेरे पास, लेकिन जॉब सिक्योरिटी और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनको देख के जॉब स्विच किया जाता है। हर साल जॉब स्विच नहीं कर सकते हैं आप, एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको अपना एक रेपुटेशन बनाना पड़ता है। जब मैंने यहाँ इस कंपनी को ज्वाइन किया तो मैं एज ए डेवलपर ही मैंने स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे करते करते आज मेरे अंडर में 10 लोग काम करते हैं। और बड़ी बात तो ऐसी भी है कि जो मेरे अंडर काम करते हैं वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस के भी लोग हैं, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं और मैं परमानेंट एम्प्लॉई हूँ, है ना। तो पैसा तो बढ़ते ही रहेगा, डिमांड बढ़ते रहेगा, पैसा का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एट एंड ऑफ द डे आपका सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। जब आज से 10 से 15 साल बाद अगर आप सोचोगे कि आपने क्या किया, है ना, कि आप क्या कर सकते थे और आपने क्या किया, और उस समय अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हाँ मैं ये भी कर सकता था, ये मेरा एम नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव था नहीं था, है ना, तो आप पीछे वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकते हो। आपने जो कर दिया वो एज निकल गया, है ना। तो एक उस समय एंथुसियाज्म होता है जस्ट पास आउट होने के बाद, हाँ मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की तो ये जॉब मुझे मिलना चाहिए, उस चीज़ का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया, मैंने काम किया अच्छे से, 14-15 साल का मैंने एक्सपीरियंस देखा IT इंडस्ट्री में, उसको समझा, उसको जाना। अब मुझे लगता है कि नहीं, अब बहुत हो गया इस फील्ड में। अभी की जो स्थिति है, जैसे अभी 10वीं की तो क्लासेस चल रही है और अभी नामांकन जो है अभी जारी है। हाँ एक्चुअली स्कूल का प्रोसेस कभी रुका नहीं था जी, है ना, कोरोना काल में बहुत ऐसी सिचुएशन आए, मतलब शुरू का टफ सिचुएशन था, धीरे धीरे लोगों ने उस सिचुएशन को हैंडल करना स्टार्ट किया। हैंडल का एक एग्जांपल है ऑनलाइन क्लासेस चले जी, है ना, अब वैक्सीन भी आने लगी है मार्केट में जी जी, है ना। तो क्लासेस जो हैं 10th का, जो कि पहला पायदान जिसको बोलते हैं ना करियर का जी, वो तो करना ही है। हाँ। साथ में नामांकन भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि
पिछला सेशन जो जिसमें बच्चों को कम एजुकेशन मिल पाया है ना, इस बार डिले ना हो और जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलेशन आता है हम इमिडिएटली क्लास स्टार्ट कर सकें, है ना। तो इसीलिए नामांकन जारी है और बच्चे आएँ और जितना जल्दी एडमिशन करें कि जैसे ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिलता है हम इमिडिएटली क्लास स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी देख रहे थे भारतीय विद्यातन पब्लिक स्कूल बुंडू के प्राचार्य जी से बात हो रही थी अभिनय जायसवाल जी से।